सो दोस्तों यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आप सभी के मन बस ये हड़बड़ी रहता है कि अपने यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे वीडियोस को अपलोड किया जाए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज करके इससे ढेर सारा पैसा कमाया जाए। लेकिन दोस्तों आप में से कई सारे लोग वीडियो को सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग सही तरीके से टाइटल नहीं लिख पाते हैं, टैग नहीं लगा पाते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं और कुछ लोग थंबनेल भी सही तरीके से इसमें नहीं लगा पाते हैं या थंबनेल लगाने में उन्हें दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब में सही तरीके से वीडियो को अपलोड कैसे कर सकते हैं, टाइटल कैसे लगा सकते हैं, टैग कैसे लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, थंबनेल कैसे लगाएंगे, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। जितना भी कुछ होता है वीडियोस अपलोड करने के लिए, जिस भी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, वो सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोज। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर सके। मैं चलता हूं सीधे लैपटॉप स्क्रीन में और सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में अपने गूगल क्रोम को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए और इसके बाद यूट्यूब में आपका वीडियो को लैपटॉप और मोबाइल से अपलोड करने का तरीका एक जैसा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियोस अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप या मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है और जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना चैनल क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है और इसके बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है youtube.com। यूट्यूब जैसे ही सर्च करेंगे तो इसका होम पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों ऊपर राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपके चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, आपको लोगो में क्लिक करना है और चले जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके चैनल का डैशबोर्ड ओपन होकर के इस तरह से आ जाएगा और इसका होम पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल ओपन होने के बाद ऊपर देखिए लोगों के बगल में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको क्रिएट में एक बार क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड वीडियोस का, सेकंड है गो लाइव का और थर्ड है क्रिएट पोस्ट का। आपको यूट्यूब में वीडियोज अपलोड करने के लिए अपलोड वीडियोज पर क्लिक करना है सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा विंडो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियोज अपलोड करने का दो तरीका है, या तो आपने जहाँ भी अपना वीडियोज को सेव करके रखा है उसे ड्रैग करके इस एरो वाले ऑप्शन पर ले आइए, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट फाइल करके, आप सेलेक्ट फाइल में से क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको पाथ बताना है कि आपने अपना वीडियोस को कहां पर सेव करके रखा हुआ है। तो मैं वो पाथ बता देता हूं, मतलब कि अपने लैपटॉप में बता देता हूं कि वो वीडियोस मैंने कहां पर सेव करके रखा हुआ है। दोस्तों ये है वो वीडियो, ये चौथा नंबर का जो वीडियो है इसे ही मुझे अपलोड करना है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं इसे सेलेक्ट करके और फिर ओपन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ओपन पर क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पर देखिए अपलोडिंग का काम शुरू हो गया है, ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। अब दोस्तों प्रोसेसिंग आप नीचे देख सकते हैं, अपलोडिंग यहाँ पे 2%, 3%, 4% इस तरह से ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। अब दोस्तों जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आपको और भी कई सारे काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। दोस्तों टाइटल वाले सेक्शन में देखिए कि यहाँ मैंने टाइटल ऑटोमेटिकली ले लिया है, क्योंकि दोस्तों जब मैंने अपने लैपटॉप में अपना वीडियो को सेव किया था तब मैंने रिनेम करके इसी टाइटल को वहाँ पर लिख दिया था, तो यहाँ पर टाइटल ऑटोमेटिकली ले लेता है इस केस में। लेकिन अगर आपका टाइटल ऑटोमेटिकली नहीं लेता है तो यहाँ पर आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। और इसके बाद सेकेंड काम जो करना है कि आपको इसी टाइटल को एक बार कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में सबसे ऊपर में आपको उसी टाइटल को लिख देना है या फिर पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर चाहे तो आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम का सोशल लिंक दे सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ले लिया है और बाय डिफॉल्ट लेता है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद चाहे तो आप अपने वीडियो के बारे में बता सकते हैं, तो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आपका समय बच जाए। अब दोस्तों यहां पर मैंने शॉर्ट में अपने वीडियो के बारे में बता दिया है कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया है। अब दोस्तों यहां पर आप योर क्वेरीज लिख करके अपने ऑडियंस का क्वेरीज को कवर कर सकते हैं और यहां पर आप कुछ कीवर्ड्स लगा सकते हैं जिससे कि आपका यूट्यूब वीडियो सर्च में आ जाए और जो भी टॉपिक से आपके ऑडियंस आपके वीडियो को सर्च करना चाहें तो आपका वीडियो नंबर वन पर आ सके। तो मैंने सिंपली यहां पर कॉपी किया हुआ उस कीवर्ड को यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा तो यहां पे वो कीवर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ कीवर्ड मैंने कॉपी किया हुआ है जो यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों चाहे तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, इस तरह से आप भी अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। और कुछ लिंक्स लगाना चाहे तो यहाँ पे लिंक्स लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया हुआ है। अब तो यहाँ पर लास्ट में आप हैशटैग लगा सकते हैं, जो कि आप एक वीडियो के अंदर में 15 हैशटैग लगा सकते हैं। तो मैंने भी कुछ हैशटैग को तैयार किया है जो कि मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हैशटैग को मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो वो हैशटैग यहाँ पे आ गया है। फिलहाल मैंने 6-7 ही हैशटैग लगाया हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको थंबनेल का सेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अपलोड थंबनेल पर क्लिक करके आप अपने वीडियोज़ के लिए थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों थंबनेल कैसे बनाते हैं इस पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि आप अपने वीडियोज़ के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे थंबनेल बनाएंगे। फिलहाल मैं
थंबनेल अपलोड में क्लिक करूंगा, अपलोड थंबनेल पर क्लिक करूंगा और अपना थंबनेल को सेलेक्ट करूंगा। दोस्तों ये वो थंबनेल है, इसे मैं सिंपली क्लिक करके और फिर ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा थंबनेल जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, किस प्लेलिस्ट में आप अपने वीडियो को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी प्लेलिस्ट आपका होगा वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। जिस भी प्लेलिस्ट में आपको रखना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर डन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका प्लेलिस्ट में वो वीडियो सेव हो जाएगा। दोस्तों प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करिए। अब तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन है यस इट्स मेड फॉर किड, अगर आप ये वीडियो बच्चों के लिए बनाते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। अब तो यहाँ पे आपको सो मोर पे क्लिक करना है, सो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे आना है। इसके बाद देखिए पहला ऑप्शन है पेड प्रमोशन का, अगर आप अपने वीडियो में पेड प्रमोशन करते हैं, पैसे लेकर के प्रमोशन करते हैं किसी चीज़ का, तो आपको इस वाले चेकबॉक्स में क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक चैप्टर्स का है, तो चैप्टर्स क्या होता है इसके बारे में आप अलग से जानेंगे, अभी फिलहाल आप इसे छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगर आप चैप्टर्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है टैग्स का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप इस जगह पे क्लिक करके 500 कैरेक्टर तक टैग्स लगा सकते हैं। अब दोस्तों टैग लगाने का फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ, अगर आप सही तरीके से टैग लगाते हैं तो आपका वीडियो सर्च करने पर ऊपर में आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको सही तरीके से रिसर्च करके टैग्स को लगाना है, तो मैंने कुछ टैग्स कॉपी किया हुआ, सिंपली मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर कई सारा टैग्स यहाँ पर आ चुका है देखिए। और अगर टैग्स ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें से कोई एक टैग को कट कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इस टैग को कट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 592 कैरेक्टर में मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए वीडियो लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है अगर आपका वीडियो हिंदी में है, और अगर आपका वीडियो इंग्लिश में है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है। यहाँ पे और भी कैसा लैंग्वेज है तो आप अपने वीडियो के हिसाब से देख सकते हैं, आपका जो वीडियो है वो जिस भी लैंग्वेज में होगा वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद तो यहाँ पे है रिकॉर्डिंग डेट, जिस डेट को आपने अपने वीडियो को रिकॉर्ड किया है उस डेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये मैं वीडियो कल बनाया हूँ, मतलब कि आज 18 तारीख, मैं 17 तारीख को इस वीडियो को बनाया हूँ, तो यहाँ पे 17 मार्च यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर वीडियो लोकेशन आता है, अगर आप चाहें तो वीडियो लोकेशन लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाया था लाइसेंस का, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पे रहने देना है। अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो को कोई भी यूज़ कर सकता है, डाउनलोड करके कहीं भी इसे यूज़ कर पाएगा, तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर रहने दूंगा। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी आता है, कैटेगरी में आपका वीडियो जिस भी कैटेगरी का है आपको वही सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो कैटेगरी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, इस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। अब तो यहाँ पे कमेंट्स एंड रेटिंग के बारे में है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, अगर आपका कुछ उल्टा सीधा कमेंट्स होगा तो रिव्यू के लिए यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, वो पब्लिकली दिखाई नहीं देगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो, अगर आप इस ऑप्शन को हटा देंगे तो आपके वीडियोज का जो लाइक डिसलाइक है वो हट जाएगा, और आप इस चेकबॉक्स में क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो का लाइक और डिसलाइक हर कोई देख पाएगा। अब सो इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अब अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ से आपको मोनेटाइजेशन ऑन कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपके वीडियो में नहीं आएगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया है एड सूटेबिलिटी का, यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि आपका जो वीडियो है वो एड फ्रेंडली है या फिर नहीं है, आपका वीडियोस पे एड दिखाया जा सकता है वो या फिर नहीं दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सूटेबिलिटी में देख सकते हैं कई सारा कैटेगरी है, अगर आप कुछ अभद्र भाषा का यूज करते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आपका एडल्ट कंटेंट तो इस पर क्लिक करना है, वायलेशन दिखा रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह का और भी कई सारा ऑप्शन है, अगर आपका जो वीडियो है वो इन सभी में नहीं आता है तो फिर आपको सबसे लास्ट में देखिए नन ऑफ द एबव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। मेरा जो वीडियो है वो सिंपल साफ सुथरा है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सबमिट रेटिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, 2-3 सेकंड वेट करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद चाहे तो आप यहीं से एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, आई कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका टैक्स कर रहा है, मतलब कि कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे नो इशू फाउंड, मतलब कि मेरे वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट नहीं है क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल कॉन्टेंट है। अब इसके बाद देखता है एड सूटेबिलिटी का, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों विजिबिलिटी का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे देखिए कैसा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान समझना है, अब चाहे प्राइवेट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप अपने वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है अनलिस्टेड का है, आप चाहे तो वीडियो को अनलिस्टेड कर सकते हैं। अनलिस्टेड वाले ऑप्शन में क्या होता है कि आप अनलिस्टेड करके अपने वीडियो का लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं, तो वो आदमी आपका वीडियो को अनलिस्टेड में ही वॉच कर सकता है, पब्लिकली वॉच वो नहीं करेगा। और अगर प्राइवेट में क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो को कोई भी वॉच नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों मेंबर्स ओनली का ऑप्शन है, तो अगर आपके चैनल पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन आ गया है तो आप मेंबर्स ओनली मतलब सिर्फ मेंबर के लिए शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो वो अभी पब्लिक हो जाएगा। और इसके बाद एक और ऑप्शन आता है दोस्तों, वो है शेड्यूल का। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, मतलब कि टाइम बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है मेरा शेड्यूल हो जाए, इस तारीख को इतने बजे ऑटोमेटिकली मेरा वीडियो पब्लिक हो जाए, तो सिंपली आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आप तारीख बता दीजिए किस तारीख को आपका वीडियो पब्लिक होना चाहिए। तो यहाँ से तारीख ले लीजिए और इस तारीख को कितने बजे यहाँ वीडियो आपका पब्लिक होना चाहिए वो टाइम भी आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे इस वीडियो को अनलिस्टेड करना चाहता हूँ, तो अनलिस्टेड पर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों ये वीडियो अपलोड हो चुका है आपके YouTube चैनल पे। अपलोड होने के बाद आप कंटेंट में जाएंगे, इस यहाँ देखिए कंटेंट का ऑप्शन दिखा दे रहा है, तो यहाँ पर देखेगा जितना वीडियो आपने अपलोड किया है वो सारा का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे ऊपर वाला जो वीडियो है वो यहाँ पे आ गया है, आप पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद अब यहीं से आप बताता हूँ कि आप अपने वीडियो पे एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे एंड स्क्रीन का ऑप्शन दिखा दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और एंड स्क्रीन यहाँ से लगा सकता हूँ। तो एंड स्क्रीन आप कैसा लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं दो वीडियो यहाँ पे लगाऊंगा और देखिए यहाँ पे दो वीडियो को मैं इस तरह से सेट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस को चूज करना चाहता हूँ, चूज स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक करके मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगा जिस वीडियो को मुझे इंड स्क्रीन में दिखाना है। इस तरह से आप दोस्तों अपने हिसाब से कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सेव पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपका वीडियो में एंड स्क्रीन सेट हो जाएगा। और इसके बाद आई कार्ड आप लगा सकते हैं अपने वीडियो पे, इससे ऊपर आपको कुछ लिंक दिखा देता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं और वहाँ पर एक लिंक फ्लैश होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप आई कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आपको जहाँ भी लगाना है आई कार्ड, पहले उसका टाइमिंग बता दीजिए। तो यहाँ मैं 3 मिनट 5 सेकंड पर आई कार्ड लगाऊंगा और इसके बाद आप चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट चैनल कोई भी चीज़ यहाँ पर आप आई कार्ड में लगा सकते हैं। मैं वीडियो ही ले लेता हूं यहां पे। अब वीडियो लेने के बाद यहां पे आप बता दीजिए कौन सा वीडियो यहां पे आना चाहिए, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ऊपर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद आपके वीडियोस पे आई कार्ड भी सेव हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वीडियो आपका अभी तुरंत ही अपलोड होना चाहिए, पब्लिक हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप एरो पे क्लिक कीजिए और इसके बाद देखिए पब्लिक का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए और ऊपर जो सेव का ऑप्शन है आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये वीडियो अभी तुरंत ही पब्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने YouTube वीडियो को सही तरीके से अपने YouTube वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों माना कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने इस वीडियो आपको सारा कुछ एक एक स्टेप बता दिया है। इस तरीके को फॉलो करके आप भी अपने YouTube वीडियो को सही तरीके से YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।